Hi everyone, how are you all? This is Imanshi Bhatia from evidyarthi.in and we are going to talk about exercise 5.1, say question number 24. So, what do we do in this question? Mein? Determine if f defined by fx equal to two parts mein function given hai, x square sin 1 by x, jab x kya hai? Non-zero hai, 0 se alawa kuch bhi. Or 0 agar x 0 hai to 0 ka function 0 defined hai otherwise is tarike se defined hai aur iski continuity hume check karni hai to continuity check karni hai matlab pure interval pe hame dekhna padega minus infinite se infinite kahan pe continuous hai aur kahan pe nahi hai ab real line hamari divide kis tarike se ho rahi hai 0 ki wajah se wo keh raha hai ki 0 pe to value 0 hai lekin agar 0 se alawa aap koi bhi point uthate ho non zero तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है किस तरीके से x square sin 1 by x सही है तो दो पार्ट्स बन गए दो केस भी बन गए क्या एक तो हमने ले लिया कि एक रियल नंबर जो कि जीरो ना हो फिर बात कर लेंगे जीरो की पहले नॉन जीरो की बात कर लो लेट k be a real number को मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है k belongs to the set of real numbers and k is not zero. अब क्या करेंगे? भाई non-zero के लिए तो एक ही तरीके से function defined है x square sin 1 by x. तो इस पे limit निकालोगे, k पे इसकी limit निकालोगे और k पे function की value निकालोगे. अगर दोनों same आ गया तो हम बोलेंगे continuity है. तो आप बोलेंगे कि limit of function when x is going to the point k. लेकिन हमने k की बात की है यहाँ पे. इसके बराबर है फंक्शन आप लिखो क्या है फंक्शन है हमारा x square sin 1 by x ठीक है and x is going to k full अब क्या करोगे directly इसमें k रख दोगे आंसर हमारा आ जाएगा कितनी आ गई लिमिट k square sin 1 by k अब एक बात बताओ मुझे लिमिट तो निकल के आ गई अब ध्यान से देखना फंक्शन जो है वो क्या है x square sin 1 by x ठीक है अगर मैं f k निकालना चाहती हूँ तो x की जगह पे k रख दूँ इल्लो रख दिया k रख दिया ये क्या आ गया f k आ गया तो ये क्या निकला है k square sin 1 by k ये क्या लिखा हुआ है k square sin 1 by k इसका मतलब ये जो निकल के आया है ना ये f of k के भी बराबर है तो हमने देखा कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू k पे सेम आ गई इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कंटीन्यूअस हो गया कहां पे कंटीन्यूअस हो गया fx at x equal to k पे और k कैसा था नॉन जीरो था अब तुम बोलोगे कि जी हमने तो कोई सा भी अपनी मर्जी से है ना कोई सा भी रैंडम एक k उठा लिया था कहां से इसमें से या इसमें से बस जीरो नहीं लिया था अब उस पे कंटीन्यूअस हो गया यानी कि ऐसे सारे अपने जैसे सारे पॉइंट के लिए हो जाएगा कंटीन्यूअस अपने जैसे सारे पॉइंट यानी कि नॉन जीरो क्योंकि ये खुद नॉन जीरो है तो इस बात से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है fx ये कंटीन्यूअस हो जाता है फॉर ऑल x व्हिच आर नॉन जीरो सारे ऐसे x के लिए हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया जो कि जीरो नहीं है ठीक है तो अब क्या बचा है देखो कितना सिंपली हमारा काम हो गया है ना LHS LHL RHL की जरूरत नहीं पड़ी अब हमें उन पॉइंट्स की बात करनी है जो जीरो है और वो एक ही पॉइंट होता है जीरो तो आप बोलोगे नाउ एट x इक्वल टू जीरो अब जी जीरो पे अगर आप बात करो तो ध्यान से देखो जीरो के लेफ्ट साइड फंक्शन क्या है x square sin 1 by x फिर जीरो के राइट साइड देखा तो x square sin 1 by x तो बेसिकली जो फंक्शन है वो एक ही तरीके से डिफाइंड है लेफ्ट में भी राइट में भी तो हमें LHL और RHL अगर अलग अलग निकालना देखोगे कि हम LHL और RHL अलग अलग निकाल रहे हैं क्योंकि फंक्शन सेम डिफाइंड है आंसर सेम ही आएगा ठीक है आप चाहो तो LHL RHL अलग अलग निकालो मैं एक ही से करके दिखा दूंगी आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा देखो कैसे लिमिट निकालेंगे फंक्शन की लिमिट ऑफ fx when x is going where 0 0 ko ja raha hai function the limit extending to 0 function hai kya x square sin 1 by x theek hai ji ab hame iski limit find karni hai ek baat batao
क्या मैं इसमें x को 0 डायरेक्टली रख सकती हूँ, यहाँ 0 आ जाएगा लेकिन अंदर ही आएगा 1/0, मतलब साइन ऑफ इनफाइनाइट, पता ही नहीं है तो क्या होता है, बड़ा ही कंफ्यूजन वाली चीज है ना साइन इनफाइनाइट, तो इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड, हमें पता ही नहीं कि क्या है। तो इसलिए इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए खास तरीका है, मुझे लगता है कि आपने शायद नहीं पढ़ा होगा वो पहले, तो मैं यहाँ पे क्विकली बता देती हूँ कि जब ऐसा हो कि साइन के अंदर या कॉस के अंदर अपॉन में जीरो बन रहा हो तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, देखेंगे। आई एम रबिंग दिस पोर्शन, समझ लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ 1/x के साथ एक्स स्क्वायर लिखा है, पहले सिर्फ साइन वाली चीज ले ली आपने और देखा कि ये जो है ना -1 और 1 के बीच में ही डोलती रहती है हमेशा, मतलब क्या कि साइन के अंदर कुछ भी लो एंगल, भाई साइन फंक्शन तो साइन फंक्शन है, साइन 45 लो, साइन 130 लो, साइन 220 लो, कुछ भी लो, वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी, मानते हो नहीं मानते, देख लो ग्राफ, देख लो यार ग्राफ कैसे बनता है साइन का, इस तरीके से बनता है ना, तो एक्स को कुछ भी लेते रहो, वाई सिर्फ इतने रीजन में लाई कर रहा है, ये वैल्यू नीचे होती है -1 और ये वैल्यू ऊपर होती है 1, सिर्फ इतने पार्ट में पूरा हमारा इस बैंड में सब कुछ आ गया, थोड़ा अनटाइडी सा है पर समझ जाना कि साइन हमेशा इतने में ऑसिलेट होता रहता है -1 और 1 के बीच में, इसलिए साइन ऑफ एनीथिंग लाइज बिटवीन -1 एंड 1, बट हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इसके साथ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ साथ में बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया इस पूरी इनइक्वालिटी में एक्स स्क्वायर मैंने -1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -x2, 1 में मल्टीप्लाई करोगे x2 आ जाएगा, तो मैंने क्या किया पूरी इनइक्वालिटी में x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब तुम कहोगे कि ये हमें मिल गया इसके और इसके बीच में, अब इस पूरे पे लिमिट ले लो, पूरे पे मतलब क्या, अगर ऐसा है तो लिमिट ऑफ -x2 लेस देन इक्वल टू लिमिट x2 साइन 1/x लेस देन इक्वल टू लिमिट x2, ठीक है, सही है। अगर एक चीज दूसरे से छोटी है तो उसकी लिमिट भी तो दूसरे से छोटी होगी ना, लिमिट ले कहां पे रहे हो एक्सटेंडिंग टू जीरो पे, एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्सटेंडिंग टू जीरो, ऐसा कर सकते हैं बॉस, ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेथड में। अब फाइनल एंड लास्ट स्टेप, सैंडविच खाते हो तुम, सैंडविच दो ब्रेड के बीच में चीज है, दो ब्रेड के बीच में कुछ टॉपिंग है, तो इसका नाम भी सैंडविच है, कैसे, इसके और इसके बीच में ये है, ठीक है, ये दोनों हमारी ब्रेड है और इसके बीच में कुछ टॉपिंग है, तो जब दोनों ब्रेड मिल जाएंगी तो ये बीच में खत्म हो जाएगा, पिस जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो, तीनों साइड हमने लिमिट ली, -x2 में x जब 0 को जाता है तो इसका आंसर क्या आता है 0, ठीक है, x2 में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगा आंसर क्या आया 0, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू ये वाली लिमिट, ये सेम लेस देन इक्वल टू 0, कोई ऐसी ये यहाँ पे मैं क्या चीज, ये दो डंडे मतलब ये ऊपर वाला मैंने यहाँ सेम उतारा, और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है x2 साइन 1/x की लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये लिखा हुआ है। अब ये क्वांटिटी हमें यहाँ पे चाहिए, हमें नहीं पता क्या होगी लिमिट, लेकिन ये मेथड बोल रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ना ये 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है, और साथ ही में 0 से छोटी है या 0 के इक्वल है, ऐसा कैसे हो सकता है 0 और 0 के बीच में कुछ है, सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, ये 0 हो जाए तो 0 0 0 तीनों बराबर हो जाएंगे, इक्वालिटी भी तो लगी हुई है ना यहाँ पे, भाई कोई चीज 1 से बड़ी और 1 से छोटी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, पर हाँ 1 और 1 के बीच में अगर कोई चीज है वो सिर्फ 1 1 1 1 तीनों इक्वल हो जाएंगे, राइट, 1 इज नॉट लेस देन 1, सिमिलरली 0 इज नॉट लेस देन 0, 0 इज इक्वल टू 0, इसलिए ये इक्वालिटी का यहाँ पे काम है। ये जो मेथड है हमारा इस तरीके के पार्ट को सॉल्व करने के लिए, और इसको हम बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है जी, दो के बीच में जब हम तीसरा फंसा देते हैं, सो इसकी और इसकी अगर आप फाइंड कर पा रहे लिमिट तो बीच वाले की भी आप बता दोगे। तो ये हमारी पूरी डिटेल में था, या आप इसको फटाफट कॉपी कर लो, आई विल रब दिस और इसका आंसर में क्या लिखूंगी 0 लिखूंगी, ठीक है। चलो सैंडविच ब्रेड, भूख भूख लग गई यार, सो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया जी 0 लिमिट। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो 0 पे,
अब आप बोलोगे कि fx is 0 when x is 0. ये कहां से आया? क्या लिखा हुआ है? अगर x 0 है तो वैल्यू क्या होगी? 0. इसने बोल दिया, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 0 पे 0 ही है. f of 0 is 0. ठीक है, अब लिमिट भी 0 थी, फंक्शन की वैल्यू भी 0 पे 0 है, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x equal to 0. अब फंक्शन नॉन जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है. तो आप बोलोगे कि fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R. समझ आई बात? बड़े ही सिंपल, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, बस एक ही सैंडविच वाली चीज थी जो आपने ध्यान में रखनी है. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको समझ में आया है. अगर आ गया है तो लाइक कर दो, अगर कुछ कहना है, बताना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर क्वेश्चन. तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, अपना ध्यान रखते रहो. बाय बाय.